बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आपका भाई जो है ना फुल आइसोलेशन वार्ड में बैठा है। यानी आपका भाई ये आपका भाई सही है, फुल आइसोलेशन वार्ड में बैठा हुआ है। टेंशन नहीं लें, किसी हॉस्पिटल में नहीं, अपने घर में बैठा हुआ। तो यहाँ पर टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। अभी तो फ़िलहाल तो टेंशन देने का भी नहीं, क्योंकि अगर टेंशन ली तो टेंशन ली, और अगर टेंशन ली तो कोरोना वायरस लिया। अच्छा खैर, तो भाई मैं फुल आइसोलेशन वार्ड में बैठा हूँ, यही बात हो रही थी ना। तो यहाँ पर मेरे पास करने को क्या क्या है? मेरे पास करने को यहाँ पर चार चीज़ें हैं। नंबर एक, कंप्यूटर यूज़ करना। नंबर दो, टीवी देखना। नंबर तीन, मोबाइल यूज़ करना। और नंबर चार, स्केचिंग करना। तो भाई आपके भाई जो ना ये चीज़ कब, क्यों और कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ। नंबर वन, कंप्यूटर। यार दिल करता है मेरा यूज़ करने का, मगर फिर भी दिल नहीं करता। क्यों दिल नहीं करता? क्योंकि यार जब मैं पीसी खोलता हूँ तो उसमें स्टोरेज इतना कोई अटकता है, तो फिर दिल करता है कि पीसी बंद ही कर दो। तो इसलिए दिल ही नहीं करता कि पीसी खोलो। दिल फिर भी करता है, मगर फिर भी दिल नहीं करता। अच्छा खैर, बहुत लंबी कर दी। अब मैं बताता हूँ, टीवी दिल नहीं करता मेरा देखने का। मोबाइल है, अच्छा है। व्हाट्सएप यूज़ करने का दिल नहीं करता। फिर इंस्टाग्राम, कोई दोस्त नहीं। फिर उसके बाद यूट्यूब, कोई कंटेंट नहीं और दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। तो अब खैर, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। और स्केचिंग पॉइंट पे तो थे जाती। अच्छा, स्केचिंग मैं पूरे दिन में 1 घंटा करता हूँ खाली। और अगर आपने स्केचिंग करानी है तो प्लीज़ 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 मुझे मैसेज करें। और हाँ, 7,000 रुपये भी भेज दीजिएगा। मजाक कर रहा हूँ, 1,000 रुपये नहीं चाहिए मुझे। बस आप मैसेज करिएगा, अगर मैं बना पाया, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। अगर बना पाया तो मैं आपको बना के सेंड कर दूँगा, नहीं तो मैं कोई मैसेज भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा बस। अच्छा खैर, तो अब मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, भाई तू पूरे दिन करता है क्या यार? ना तू फेसबुक पे ऑन होता है, ना तू पबजी खेलता है, ना तू कुछ करता है, ना वीडियोज़ आ रही है, ना एडिटिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आखिर तू कर क्या रहा है, बता भाई। तो मैं उनको पता है क्या बोलता हूँ? मुझे खुद नहीं पता। और सच में मुझे खुद नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ पूरा दिन। चलो यार, मैं 1 घंटा स्केचिंग कर लेता हूँ, 3 घंटा मोबाइल यूज़ कर लिया, फर्ज कर लिया कि 3 घंटा मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो बाकी पूरा दिन मैं कर क्या रहा हूँ? मुझे खुद नहीं पता। अच्छा खैर, हम अब आते हैं पॉइंट पे, कोरोना वायरस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, रात से जो ना कर्फ्यू लग चुका है। कर्फ्यू नहीं, सॉरी, केयर फॉर यू। सही है, इट्स नॉट कर्फ्यू, इट्स केयर फॉर यू। मगर फिर भी यार, ये आवाम जो है ना अपनी केयर खुद नहीं करी, तो इनकी केयर, खैर छोड़ो। अच्छा, तो फिर भी अभी देखो क्या नाम है, जितनी गाड़ियाँ रोड पे पहले चल रही थी उतनी ही गाड़ियाँ स्टिल चल रही हैं, तकरीबन। तो यार अल्लाह के बंदो, घर पे बैठो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यार तुम इतना हल्का ले रहे हो कोरोना को। तो इटली में भी ऐसे ही था, इसका बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था, मगर आज इटली में पता है 500-500 लाशें उठ रही हैं रोज़ाना। तो प्लीज़ 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 ये देखो, घर में बैठो। बस मैं बोल ही सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। खैर, मैं आपको एडवाइस दूँगा, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर जाना तो जाओ, मगर फिर भी मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो। और घर आने के बाद सबसे पहला काम हाथ धो जाकर, और फिर उसके बाद कुछ करो। और अगर आपने घर में रहना है तो सबसे अच्छी एडवाइस मैं आपको दूंगा, वो पता है क्या? नाश्ते के बाद जमाल गोटा पी लो। पूरा दिन आप घर में रहोगे, हर थोड़ी देर बाद हाथ धोगे। तो इसी के साथ भाई को दुआ में याद रखना और हंसते मुस्कुराते रहना और अपना बड़ा ख्याल रखना। इसी के साथ खुदा हाफिज़। और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपसे।